Hello everyone, welcome to Chemistry Online. This lesson is for class 9. Today's topic is chemical combination. पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एटम आपस में अनदर एटम के साथ कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके अनदर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप लोगों को कुछ सिंबल याद होगा, पिछले वीडियो में हमने सिंबल भी दिया था। जैसे एक हाइड्रोजन एटम है, उसका सिंबल एच है, ये एच है, हाइड्रोजन एटम है। अनदर हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स बनाया। क्या बनाया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया। सिमिलरली उसी तरह से अगर हमने ये ऑक्सीजन एटम लिया, अनदर ऑक्सीजन एटम लिया, आपस में कंबाइन करके क्या बनाया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया। जैसे यहाँ पे मैंने एक कार्बन का एटम लिया, उसके अनदर ऑक्सीजन के एटम लिया, आपस में कंबाइन करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। सिमिलरली यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया, ये वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया, अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया, आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सारे क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, साइंटिस्ट ने या केमिस्ट ने ये पाया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो यूनिवर्स में, कुछ सर्टेन लॉ के अकॉर्डिंग होती है। उसी लॉ को क्या बताया गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब इट मीन्स दिस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग ए सर्टेन लॉ। दिस लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आइए हम डिफाइन कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन। एनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ। यानी एनी केमिकल रिएक्शन, चाहे ये रिएक्शन हो, कोई अनदर भी रिएक्शन ले लो आप। जैसे मैंने आयरन की रॉड ली और उस पर मॉइस्चर या ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल दिया, तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो वो भी एक कुछ लॉ के अकॉर्डिंग होगी। जो भी सर्टेन लॉ के अकॉर्डिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। सर्टेन लॉ, दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसी लॉ को हम क्या बोलेंगे, केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो दो मेन साइंटिस्ट थे, जिनका एक का नाम है एंटोनी लेवेसियर और दूसरे का नाम है जोसेफ प्रूस्ट। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दो लॉ दिया था, जिसमें से एंटोनी लेवेसियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, और जोसेफ प्रूस्ट ने जो लॉ दिया था उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आइए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। इस लॉ को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी लेवेसियर, जिन्होंने इस लॉ को दिया था 1774 में दिया था। तो उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया। एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कितना, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इसको स्ट्रांगली हीट किया। क्या किया, हीट किया। जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो उन्होंने क्या पाया कि 56 ग्राम क्विकलाइम
लाइम और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड कितना था 44 ग्राम था। उन्होंने ये पाया कि जब इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को, तो क्या पाया 56 ग्राम क्यूबिक लाइम पाया और 44 ग्राम क्या पाया कार्बन डाइऑक्साइड पाया। उसी तरह उन्होंने दूसरा भी लिया एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 12 ग्राम कार्बन को बर्न किया, कितने ग्राम 12 ग्राम। तो 12 ग्राम जब कार्बन को बर्न करते हैं तो ये एग्जैक्टली 32 ग्राम ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बर्न करती है। 12 ग्राम कार्बन क्या करती है 32 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न करती है और क्या बनाती है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो उन्होंने इस बात से ये कंक्लूजन निकाला कि एनी केमिकल चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस, है ना, रिमेन कॉन्स्टेंट आफ्टर द चेंजिंग। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज के बाद भी उसका मास वही रहता है, ऐसा नहीं। जैसे यहां पे देखिए बिफोर द चेंजिंग ऑफ द रिएक्शन या बिफोर द रिएक्शन, रिएक्शन से पहले जो भी मास था हमारा था 100 ग्राम, आफ्टर द चेंजिंग, चेंजिंग के बाद भी हमारा मास कितना है 100 ग्राम ही है। तो यहां पर भी देखिए यहां पे बिफोर द चेंजिंग यानी चेंज होने से पहले जो हमारा मास था वो कितना था 44 ग्राम था, लेकिन चेंज होने के बाद यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ और क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड बना, उसका भी मास कितना था 44 ग्राम था। तो इस तरह से उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डिफिनेशन दी, डिफाइन किया एनी फिजिकल, कोई भी फिजिकल चेंजिंग हो या केमिकल चेंज हो, मास एनी फिजिकल और केमिकल चेंजिंग मैटर नॉट मैटर नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब कोई भी केमिकल चेंजिंग होगी उसमें उसका ना मैटर को क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, रिमेन कॉन्स्टेंट आफ्टर द चेंजिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो मास जो होता है वो हमेशा रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन, यानी सम ऑफ द, इस तरह से हम कह सकते हैं सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं उसके जो मास रिएक्टेंट का जो मास होता है वो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट का मास होगा वो उन दोनों का सम हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। एक